मेरी बीवी मेरे लिए आता है। हाँ, अरे आप मत काम करो। आज भाई के साथ एकदम माइंड अप कर अरे, जब ईदी देते तो ऐसे जरूरी क्यों रहता है कि जितना लड़के वाले दिए उससे थोड़ा बढ़ के ही देना चाहिए। सो हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और हम हैं फोकस। हम लोग एक एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। तो गाइज, आज आ रही है मेरी ईदी। ईदी आएगी तो फिर मतलब आज पता चला मेरे को क्या क्या मिलने वाले है गाइज। एकदम इट्स जस्ट अ सरप्राइज गाइज, इट्स अ ड्रीम फॉर मी एंड इट्स बिकमिंग ट्रू नाउ। तो गाइज बहुत मजा आ रही है। वहां करो बोलो आए लव यू। गाइस आपको आई लव यू बोल दिया उसने, सिर्फ उसको आई लव यू बोलने सिखा रहे अभी ताकि आप लोगों को और ज्यादा प्यार दे सके वो। बड़ा हो गया खुद वो सिंगल व्लॉगर बने गाइस। ये जल्दी जल्दी व्लॉग चालू करवाएंगे, इससे इसको बोलने तो दो, आप इसके हाथ में कैमरा ही दे देंगे हम लोग। तो बस अभी तैयारी करते हैं, सब सामान लेकर आते हैं। वैसे इफ्तारी की दावत बोले थे लेकिन उन लोग बोले कि हम लोग रात में आ जाएंगे क्योंकि इफ्तारी घर से करके निकलेंगे, बहुत दूर रहते। हाँ, तो लोग आएंगे तो फिर खाना यानी रात की दावत रखे, तो इफ्तारी बाद आने वाले हैं उन लोग ईदी लेके। तो देखते हैं क्या क्या लेकर आते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या लेकर आते हैं। सुन के सबसे पहले दिमाग में आपकी क्या आते है? पैसा। पैसे के अलावा तेरे दिमाग में कुछ आता है? इसलिए तो पूछा, मेरे दिमाग में वही था इसलिए तो पूछा। आपके दिमाग में क्या आता है कमेंट करके बता। और अभी शादी वाली ईदी है, बोलेंगे कि हमारे दिमाग में कपड़े आते थे। नहीं, शादी वाली ईदी है तो कपड़े ही आएंगे दिमाग में, क्योंकि शादी वाली ईदी में ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को ईदी में क्या मिलने वाला है। तो देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने मगर यानी आयशा को पर्पल कलर में दिलाया तो मेरे को भी उसी के आसपास ही कुछ मिलने वाला है, लेकिन देखते हैं क्या मिलता है क्योंकि मैचिंग गाइस मैंने बोला था यू नो, तो हो सकता है उसने ध्यान दी हो ये चीज का। तो देखते हैं अभी जब वो लेकर वैसे आयशा नहीं आ रही, आयशा के घर वाले आ रहे, देखते हैं अभी क्या होता है। मच्छी ससुराल वाले आते तभी तू साफ करता है, क्या बात है। बाहर का सिर्फ तभी साफ होता, घर तो साफ रहता ही है। अरे ने पानी डालना, पानी थोड़ा पानी डालना, तो धूल में करो। चलो लेकर आएंगे। चलो जाइए। तो गाइस पहले हम लोग लेने आए हैं इफ्तारी और या फिर खाना खाने के लिए जो प्लेट्स रहती है वो प्लेट, और फिर ग्लास और टिश्यू पेपर, ये सब जरूरी था। उसके बाद अभी हम लोग इफ्तारी का सामान लेने जाएंगे। और कुछ लेने गए जिशान? पूछ ले जिशान ने लिया है टिश्यू पेपर और मैंने ये सब ले लिया। और अभी बस एक दस्तरखान दे दो भाई, वो जो बिछाते ना वो नहीं टेबल रोल नहीं चाहिए, दूसरा वाला रोल दो, ये वाला नहीं मोटा वाला चाहिए, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का। तो गाइस बस हाँ यही चीज। तो सबसे पहले हम लोग आए हैं कड़िंगड़ लेने के लिए। कड़िंगड़ लेने के बाद हम लोग लेंगे समोसा या अंकल से। तो समोसा लेने के बाद देखते हैं अभी क्या क्या ले सकते हैं। पाइनएप्पल तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो देखते हैं क्या लेते हैं। हाँ जिशान, अच्छा खिचड़ा यहीं से लेते हैं। खिचड़ा नहीं, लगड़ा। हाँ तो लगड़ा लेने है ना। हाँ तो भाई लगड़ा भी ले लेंगे। भाई एक लगड़ा भी बांध दो ना, एकदम मसाले वाला बनाओ। हाँ वैसी जैसा बना रहे हो। हाँ लगड़ा लेने के बाद फिर अपन जाएंगे वहाँ पे कड़ी बोल लेने के लिए पाइनएप्पल। हम लोग ने अभी बहुत सामान ले तो लिए हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भी कुछ सामान बाकी है और कुछ मिल रहा नहीं हम लोग को, जैसे कि पाइनएप्पल और तो बाकी सब ले लिया। चलो मामू लोग भी आने वाले हैं, फर्दी मामू लोग, तो लोग जैसे आएंगे इफ्तारी खोलेंगे, फिर इफ्तारी बाद सब घर वाले आएंगे। तो गाइस मैं यहाँ कटलेट लेने खड़ा हूँ, जिशान को देखो सामान लेके कैसा खड़ा हुआ। हम लोगों ना जगह नहीं हो रही, हम लोग ने एक्टिवा लेकर आना चाहिए था, हम लोग ने बुलेट लेकर आ गए। तो बस अभी ये सामान ले लेते, थोड़ा स्टार्टर और फिर निकलते हैं यहाँ। तो गाइस यहाँ मैंने सब इफ्तारी रेडी कर दिया हूँ, मस्त वाले एकदम सब हो गया है, बस अभी जाके लगाने का है। तूने बनाया है? यस, सिर्फ यहाँ पे चाट को मिक्स करना है अभी, वो मेरा जायका। ये तो सबको बाजार वाला है। रेडी किया मतलब प्लेट में लगा के रेडी किया। ये सब करके मैं हटा, वैसे तूने अपना नाम लगाया। अच्छा मच्छी में हाथ लगा दूँ? हाँ चल, तूने भी कर लिया। चल देखो भी कुछ ना कुछ सवाब मिल जाएगा। तो गाइस इफ्तारी का वक्त हो गया है, यहाँ बैठ के सब दुआ मांग रहे हैं। हाइफा और काशिफ लोग अंदर है, मामू और मामू मुमानी लोग सब आ गए। हाँ बस डाल रहा हूँ। तो जैसी बस इफ्तारी हो जाएगी फिर वेट करते हैं आयशा के घर वाले लोग के आने का। तो जैसे लोग आएंगे तो ईदी लेते। मैं रेडी हो गया हूँ, तो मेरे ससुराल वाले आ रहे, ले ईदी लेकर ले। ये मम्मी आराम कर रहे, बातें चल रही है अभी, बस आने का वेट कर रहे हैं। मामू लोग भी बैठे हुए, सब बैठ के आराम कर रहे हैं। यहाँ मैंने सोफा को वापस गाइस खड़ा कर दिया क्योंकि जगह ज्यादा होती है गाइस। थोड़ा टाइम और
इंशाल्लाह आप लोग दुआ करेंगे तो जल्दी 2 BHK भी ले लूंगा। रमजान में इफ्तार के बाद अगर दावत रखते हैं तो फिर सोचना पड़ता है कि जब लोग घर में आते हैं तो फिर क्या रखें, क्योंकि इफ्तार लोग करके आते हैं फिर उन लोगों का पेट भरा रहता है, लेकिन तो भी सोच रहे हम लोग कि कुछ ना कुछ रखें। तो यहाँ तैयारी अच्छी जोरों जोरों शोरों से चल रही है, तो बस खाना भी मैंने बाहर से ऑर्डर दे दिया था, तो जैसी आएगा वैसी उन लोग आए, तो बस मेरे को वेट नहीं हो पा रहा है कि ईदी आ रही है। ले गाइस, बाइक ईदी आ रही है, बाइक ईदी आ रही है। ब्रिज भाई तैयारी कर रहा था, ये सब सामान तो अभी वैसे भी इस्तारी में खा ले रहे हैं, तो ये थोड़ा मतलब मुंह को थोड़ा तीखापन लगे फिर खाना लेकिन वन साइड मेहनत कर रहे हैं भाई तुम, बाकी तुम्हारे ससुराल वाले देख रहे गाइस, अपट देख रहे हो आप लोग, मतलब प्रॉपर प्लेट्स। मैंने तो बोला ब्रिज भाई को 10-15 प्लेट और निकाल दो, है ना, और कुछ है नहीं भाई। अच्छा आयशा के घर वाले आ गए हैं, तो बस आते हैं देखते चढ़ी रहे लिफ्ट में, बैठ लिफ्ट में आ गए, जाइप पे मैंने नीचे भेज दिया था, तो गाइस आ गए थे। तो मम्मी को साइड में को वालेकुम सलाम, सलाम सलाम वालेकुम, आ जा आ जा सलाम वालेकुम सासू माँ को देखो, एक मिनट इधर आ जा इधर तो आ जा, ए ले बुला मम्मी निशान यहाँ सबका मिलाव चल रहा है, सब मिल गए, सब बैठ गए। ओ फरदीन भाई, तो गाइस हम लोग आ गए लड़की वालों की तरफ से, लड़की भाई आयशा भाभी के भाई, क्या ये ले दीदी, अरे मेरी बीवी मेरी क्या था ये क्या था, तुम भी आए हो, अरे तो वो बात मम्मी देंगे ना, ये क्या था गाइस, मेरे तो सरप्राइज मिल गया, मेरी बीवी भी आई है गाइस, खतरनाक सरप्राइज मिल गया बाकी तुमको, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, मैंने तो हो गए, मेरा दिल का वो हो रहा है घबराहट, जिसके सब बैठे हुए चल, अभी पानी नहीं मिलेगा सबके साथ, पहले पानी पूछते उसके बाद, हाँ ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ भाई, हमारे घर की भाव आ गई, सोच के बोली ये भाभी क्या, मैं कह रहा हूँ भाभी, हाँ अरे आप मत काम करो, ग्लास वॉश कर दे ले, यूज गो एंड सिट देयर, हाँ मैं देता हूँ। तो भाभी आपको कैसे लगा, आप इतना मंजूर है हमारे घर की बहू से, अच्छा ये आपके घर की बहू है, हाँ देयर इज देयर भाभी भी बोले वेर इज वेर, तो मैं भी देयर इज देयर, मुंह क्यों चल रहा है तेरा भाई, मदद कर, इसकी जरूरत नहीं है निशान भाई का मुंह चल रहा है भाभी, देखिए आपने, मेहमान हो ये इफ्फो को देखो, ये इसका नाम इफ्रा है, इसका नाम ये इफ्रा है, ये जैन है, तो इफ्रा मुंह मीठे में आई थी और मुंह मीठे के बाद अब आ रही है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी, अच्छा हाँ तीसरी बार, तो बस इन लोग दोनों बैठे, आप मुस्तजाब तो सो गया है, सारा को देखो, सारा तो खिल गई, हाँ बहन की शादी फिक्स हुई, वो सोच के ही खिल गई है, खुशी, हाँ बहन जा रही है, जा आज भाई के साथ एकदम माइंड अप कर रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं माशाल्लाह, ससुर जी नहीं आए इसलिए इतना तैयार हो गए, मानी आप इतना शांत क्यों, आपकी शर्मा, मम्मी और मुमानी दोनों भी, मतलब मम्मी और मुमानी दोनों भी शांति रहते हैं, हमारे घर में सिर्फ बोलने वाली एक ही लड़की है, एक ही औरत है,
ये सिर्फ यही बात करती है और कोई बात नहीं करता है। सब हो गया है, बस खाना बाकी, लेकिन उससे पहले रसम कर लेते हैं। तो ईदी का वक्त हो गया, यहाँ दिशान खाते हुए पड़ा था। मैं बोला जब डब्बा जो है देखो, तेरे को ईदी मिलेगी ना ब्रो, अभी ये ईदी तो भाई की मैं ले लूंगा। मजा, मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या करूंगा, नहीं पैसे की बात है। किसको ईद वाले दिन? हाँ हम लोग छोटे नहीं है, तुम लोग छोटे है। फिर चल 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 अभी यहाँ पे रस्म चालू होने जा रही है अवरेश भाई की। चले भाभी तो यहाँ पे तैयारी चालू हो गई है। पहले नजर उतार रसम थोड़ी ना गोद में लेने वाली। तो मेरे सर के ऊपर चले जाएगा ये पक्का कुर्ता ऊपर। नहीं भाई पर्दा है, पर्दा है। तो गाइस भाई की गोद भर गई है। अब इसमें कितनी चीजें, टोकरी कितनी बड़ी बड़ी है। इसको मैं साइड में रखूं, बड़ी अम्मी साइड में रखूं इसको, नंदना क्या हुआ? नहीं नहीं इन लोग की माँ, मेरी जो बड़ी साली लोग है उन लोग की मांग है गाइस कि मैं गोद में ही रखूं तो ठीक है। अरे बाप रे, गोद पे गोद के साथ चाट मसाला भी लेकर आए मेरे लिए। खिलाऊंगा किसी दिन, जल्दी खिलाऊंगा। दीदी मेन तो यही है। अरे सबसे बड़ी सास। चलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मिल गई है। है है भाभी ने नकली नोट तो नहीं लेकर डाल के? नहीं नहीं असली असली। एक बात बताऊं, जब ईदी देते तो ऐसे जरूरी क्यों रहता है कि जितना लड़के वाले दिए उससे थोड़ा बढ़ के ही देना चाहिए? घुमा तो नहीं दिए ना तुमने? घुमाए तो नहीं ना? देखो गाइस यहाँ पर अभी भाई की रस्म हो चुकी है और भाई को मेरे को देख के मन हो रहा है, मेरे को भी किया। अगला नंबर इंशाल्लाह तेरा हो। आए आए अच्छा पैसे भाई, हमें बोले उसी का नंबर है। अगला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मेरे को ईदी मिल गई है। देना बनता है क्यों मैं देखो क्यों तू ले गया? तेरे को मिली है मेरे को तो, देखो भी तो मिलेगी। ठीक है तू मेरे को दे दो, मैं देखो दे जब मेरे को वहां से आएगी मैं भी तेरे को दे दूंगा। ठीक है अभी मेरे को दे, मतलब मेरे को सही बात है, मेरी बीवी ने मेरे को मतलब मेरे ससुराल वाले ने पैसा दिया, वो मैं खर्च नहीं करूंगा, वो संभाल के रखूंगा।
लोग कमाने वालों को ईदी नहीं देते। मम्मी ने क्या बात बोले, वो क्यों जाई? कमाने वाले ईदी हम लोग को देते, कमाने वाले ईदी हम लोग को। मतलब तू मम्मी को कितनी ईदी दे रहे? तो गाइस बस यहीं पर ब्लॉग एंड करते हैं। आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताएंगे कि क्या क्या ईडी आई है, तो वो चीज का थोड़ा इंतजार करो, बस थोड़ा एक दिन का। बस ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, करते हैं मन कर, इसलिए लोग हमें कहते हैं वो कर। तो गाइस ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, मतलब हिट द बेल आइकन।